हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियास कुकिंग वर्ल्ड एंड बेकरी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी छोले की रेसिपी। एक कप छोले मैंने यहाँ पे लिए हैं, उन्हें 3 से 4 बार धोने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अभी छोले बॉईल करने के लिए रखने हैं, तो उसके लिए डाला है मैंने 1 टी बैग, 2 तेज़पत्ते और 1/2 TSP सॉल्ट। छोले बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे आरओ के पानी का यूज़ किया था, ताकि इस पानी का इस्तेमाल मैं आगे जब छोले की ग्रेवी बनाऊँगी उसमें कर सकूँ। कुकर की लेड लगा के 4 से 5 सीटी आने तक बॉईल करना है। एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मिक्स सीड। मिक्स सीड में मैं इस्तेमाल करती हूँ जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, पीली सरसों, कलौंजी। सारे सीड्स को हम धीमी फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, गैस को हाई नहीं करना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग, साथ ही 2 तेज़पत्ते भी इसमें ऐड करने हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। कंटिन्यू इस पैन को हिलाते रहेंगे और उस तरह से इसे रोस्ट करेंगे हल्का हल्का। एक हल्की सी खुशबू आ जाएगी तो गैस को बंद कर देना है। तो इस तरह से इसे कंटिन्यू हिलाते रहें, नहीं तो ये जल जाएंगे। आप चाहें तो आप घर में भी जो गरम मसाला इस्तेमाल करती हैं उसको हल्का सा रोस्ट करके पीसें, तो उससे गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ये रोस्ट हो चुके हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी साथ ही लें एक मिक्सी जार, उसमें ऐड करें 2 बड़े बड़े कटे हुए प्याज, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, 2 लाल मिर्च और जो मसाला हमने रोस्ट किया था सीड्स, वो यहाँ पे ऐड करना है और एक पेस्ट बनाना है। साथ ही साथ अभी देखते हैं छोले। छोले हमारे ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं यहाँ पे 4 से 5 सीटी आने के बाद। आप देख सकते हैं गाइस, कलर कितना अच्छा आया है। जो पंजाबी छोले एकदम ब्लैक कलर के होते हैं, सेम उसी टाइप से हमारे छोले का कलर आया है। हाथ से दबा के इसे चेक कर लेना है कि अच्छे से गले हैं या नहीं। अगर नहीं गले हैं तो आप 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। छोले का तड़का बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। सरसों का तेल डाल के 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होने पर उसमें डालेंगे जीरा, तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा मेथी दाना। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे जो प्यूरी हमने बनाई थी प्याज और मसालों की, वो प्यूरी इसमें हमें ऐड करनी है और उसे रोस्ट करना है। 5 से 7 मिनट में धीमी फ्लेम पे ये रोस्ट हो जाएगी। रोस्ट होने के बाद ही इसमें हमें बाकी के जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। रोस्ट होने पे इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है और तेल भी अलग होने लगता है। आप देख सकते हैं गाइस, ये अभी यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तेल इसका अलग छूटने लगा है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। ये ऑलमोस्ट अभी रोस्ट हो चुका है अच्छे से। चारों तरफ से ग्रेवी को चलाते रहेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, सॉल्ट, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर डाल के इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। साथ ही इसमें मैं अभी ऐड करने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ये सिर्फ कलर वाली है, तीखी वाली नहीं है, और थोड़ा सा अमचूर। साथ ही साथ इसमें ऐड करना है 3 से 4 बड़े पिसे हुए टमाटर। आप चाहें तो कद्दूकस किए हुए टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक धीमी फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करना है। कंटिन्यू चलाते हुए इसे रोस्ट करें। जब टमाटर अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे 1 से 2 मिनट में, तब इसमें ऐड करने हैं छोले। छोले के साथ साथ मैंने वो पानी भी ऐड किया है जिसमें मैंने छोले को बॉईल किया था। इस तरह से छोले के साथ उबले हुए पानी का इस्तेमाल करने से सब्जी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, जो एकदम परफेक्ट पंजाबी छोले की रेसिपी की तरह दिखता है। सो गाइस, 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए। छोले हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं, बस हमें ग्रेवी पकानी है।
छोले की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से गाइस आप एक परफेक्ट पंजाबी छोले घर पे बना सकती हैं, जो देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखने में भी एकदम प्रॉपर ब्राउन कलर, हलवाई स्टाइल पंजाबी छोले।